रास्ता हुआ दलदल में तब्दील। जनपद जलोन में विकास के नाम पर लोगों को मिल रहा है धोखा। आखिरकार भ्रष्टाचार के सारे अधे पार करते हुए दिखाई दे रहा है। यह मामला जनपद जलोन के कोठुन माधोगढ़ मुख्य मार्ग का है, जहां पर निकलने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, लोगों के द्वारा मुख्य मार्ग पर भरे पानी को लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम कर प्रदर्शन भी किया है, जिस पर प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए जाम को खुलवाया था और 3 दिन का आश्वासन दिया था कि पानी निकलने के लिए कोई निकास कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे मुख्य मार्ग पर भरे पानी को निकाला जा सके और लोगों को निकलने में राहत मिल सके। अगर देखा जाए तो कोठुन से माधोगढ़ आने जाने वाला रास्ता दलदल हो चुका है और कई बार लोगों को चोटें भी आई हैं। यूं रास्ते में भरे पानी और गड्ढों की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिस पर ग्रामीणों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था और प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए जाम को खुलवाया था और वादे भी किए थे, लेकिन सारे वादे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह मामला जनपद जलोन के कोठुन कस्बे का है। फाइट ग्रामीण, जलोन से जिला संवाददाता कृष्ण कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कौन से गांव के हैं? क्या है जी पानी भरा हुआ है रास्ते में? और अच्छा, यहाँ निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? प्रशासन से कहा आपने किसी से? क्या कहते हैं? अच्छा, कौन से गांव में है ये पानी भरा हुआ है आम रास्ते में? और यहाँ से जाम लगवाओ तो कुछ सुनाई नहीं भैया। किसने जाम लगवाया था? किसने लगवाया था? अच्छा, क्या किस वजह से जाम लगाया था आप लोगों ने? अच्छा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कोई आलातकारी नहीं आया है? क्या कहते हैं, आपने किसी शिकायत की तो क्या कहते हैं वो? दरोगा जी आए थे तो आए थे, सब जाए तो आए थे। अच्छा, क्या कहते हैं वो? चार दिन हो जाएगा, 4 दिन हो गया। अरे, नाम है आपका? कौन से गांव से? क्या है ये पानी भरा हुआ है, कैसे आप लोग यहाँ निकलते हैं और कैसे गाड़ी निकलते हैं? मजबूरी, कोई सुनता ही नहीं है, सुनने वाला नहीं है। वहाँ जाम लगाया, पुलिस वाले आए, बोले 2 दिन की मोहलत दो, फोन लेकर पानी निकल जाए। 2 दिन बाद नाला करवा रहा हूँ, अधिकारियों से कह रहा हूँ, ना कोई अधिकारी आया ना कोई नाला आला। अच्छा, यहाँ नाली निकलने के लिए पानी निकलने के लिए कोई निकास नहीं है? नहीं है, कहीं निकास नहीं है। ये पानी आता कहाँ से? पानी ये मोहल्ले से आता है, हम लोगों का पानी कहाँ जाएगा? अच्छा, निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था है ही नहीं। किसी से आपने शिकायत की? अरे, कई लोग प्रधान से कही, जिला पंचायत से कही, सब से कही, कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, यहाँ नाला जरूरत नहीं है, कहाँ नाला बन रहा है? अच्छा, यहाँ कोई गाँव घर नहीं, कुछ नहीं, वहाँ नाला बन रहा है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ के लिए जोड़ता है? ये माधोगढ़ के लिए।